फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो उन कसीनो प्रेमियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है जो लोग कसीनो में गैम्बलर हैं या अक्सर जाते रहते हैं या जाने का प्लान कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि कसीनो कौन से 10 तरीके अपनाता है, 10 हथकंडे अपनाता है हम लोगों को हराने के लिए। वैसे तो वो कई तरीके अपनाता है पर हम फिर भी उसमें से कुछ 10-1 तरीके मैंने निकाले हैं जो मैंने नोटिस किए हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिसमें हम कसीनो में जाके हार जाते हैं या हमसे गलतियां होती हैं और वो कसीनो इंटेंशनली अपनाता है। तो और जो कोई तरीके कुछ छूट गए हों तो वो आप लोग मुझे बता सकते हो, अगर आपके दिमाग में हो, आपके अपने तजुर्बे के हिसाब से भी अगर कोई आप कोई ऐसा मेथड बता सकते हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वीडियो मैं पहली बार अपना रूम के अंदर ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक मैं जो छत पे बैठ करके जो पीछे का व्यू आप लोगों ने देखा होगा उसी तरह के मैं वीडियो बनाता था, पर आज क्योंकि अभी दोपहर के इस वक्त लगभग 2 बज रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी है गोवा में इस समय, तो इसलिए मैं ये वीडियो घर के अंदर बना रहा हूँ। तो हम बात करते हैं कि कसीनो के कौन कौन से तरीके कसीनो अपनाता है। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर 1 पे अगर हम ले तो जो उसका सिक्योरिटी सिस्टम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका नाम है नूरोकेटा, एक सॉफ्टवेयर होता है जो स्पेशली कसिनोज के लिए डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी कॉस्टली होता है और भी होंगे पर मेन पॉपुलर यही है जो, क्योंकि ये चीज़ें कोई ओपनली तो आपको पता नहीं चलती। तो ये एक डॉक्यूमेंट्री के थ्रू मुझे मालूम पड़ता है कि लास वेगस के सारे बड़े कसिनो नूरोकेटा करके एक सॉफ्टवेयर है जिसको अपनाते हैं और वो इतना शार्प सॉफ्टवेयर है, इतना स्मार्ट इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में माहिर है वो सॉफ्टवेयर, कि कई बार FBI को भी कुछ टेररिज्म एक्टिविटीज़ या कुछ टेररिस्ट को अरेस्ट करने के लिए कसिनो से उस तरह के सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है। अब आपको कहो यार ये सॉफ्टवेयर से हमारे को क्या फ़र्क पड़ता है, तो आप खुद सोचो कि जब आपकी कसिनो के अंदर एंट्री से पहले सारी चेकिंग होती है और आप सिर्फ, अब आप अंदर तो ऐसा नहीं क्योंकि अंदर जाके बम ब्लास्ट कर दोगे, आपके सारी गेट पे 2-2 बार चेकिंग होती है, इतना महंगा सॉफ्टवेयर क्योंकि इसको ऑपरेट करने के लिए पूरी टीम लगती है, ज़रूरत क्या है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये। उसके बाद में जैसे आपको अगर नहीं ये चीटिंग रोकने के लिए, तो चीटिंग रोकने के लिए तो आप सोचो ना कि CCTV भी बहुत अच्छी क्वालिटी के नॉर्मली आ जाते हैं कि CCTV से आप जगह जगह से आप देख सकते हो किसी ने चीटिंग करी कि नहीं करी। इन्हें ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है ये पूरी तरीके से गेम के मेथड और आपके बॉडी लैंग्वेज और आपके खेलने के तरीके को ऑब्जर्व करता है। आप एक बार कसिनो में जाके 5 साल बाद भी जाओगे तो वो पूरा का पूरा डिटेल बता देगा कि ये आदमी किस तरीके से खेलता है। तो एक तो नंबर पे ये आ गया कि भी जो इनका सिक्योरिटी आर्टिफिशियल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस है, ये जो सॉफ्टवेयर है भले वो नूरोकेटा हो या कोई और बाद में आ गया हो, तो मतलब कोई भी हो पर उसके पीछे ये एक मेथड है जिससे ये आप लोगों को पूरी तरह हैक करते, एक तरह से पूरी की पूरी तरह आपको ऑब्जर्व करते आपके, आपने पिछली बार क्या क्या आपका तरीके, क्योंकि देखो आप जितना मर्जी कोशिश कर लो आप खेलोगे तो उसी एक ही पैटर्न से, मतलब एक ही तरीका होगा आपका, कितना बड़ी बैट लगाते हो छोटी बैट वो सब इनको पहले ही पता लग जाता है आपके कसिनो में पैर रखते ही, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये लोग आपको फ्री ड्रिंक्स और कूपन प्रोवाइड करते हैं। तो ये लोग जो आपको फ्री ड्रिंक्स प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, इसके पीछे मकसद क्या होगा, मैंने कई बार आपको पहले भी बताया कि ये कोई हमारी ससुराल तो है नहीं, जो हमारी ये रिश्तेदारी है जी, हमारे आओ भगत के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक जो फ्री ड्रिंक्स प्रोवाइड करते हैं ये स्पेशली इनके पीछे की इंटेंशन ये होती है कि आप बहक जाओ। आपने देखा होगा ज़्यादातर कसिनोज में खेलते हुए ही, गैम्बलिंग करते हुए ही आपको अल्कोहल प्रोवाइड होगा, अगर आपके साथ कोई गया है और वो इधर उधर घूम रहा है, वो खेल नहीं रहा और वो अल्कोहल मांगेगा तो उसको अल्कोहल सर्व करने में आनाकानी करी जाएगी या मना कर दिया जाएगा, ठीक है। या आप एक बड़े प्लेयर हुआ तो आप के साथ कोई गया है तो ये प्रोवाइड कर देगा। जनरली कसिनोज आपको गैम्बलिंग के वक्त तो खुद आके पूछेगा कि भाई आप अल्कोहल ले लो, ड्रिंक ले लो, पर अगर आप बैट नहीं लगा रहे हो या आपके साथ कोई गया है जो नहीं खेल रहा है तो उसको देने में इनके आनाकानी करते हैं ये। इसके पीछे का रीज़न है कि आप बहक जाओ, बड़ी बड़ी बैट लगाओ, आपको बड़ी बैट लगाने के लिए, क्योंकि आपको पता है अल्कोहल हमारे बॉडीज़ के अंदर उत्तेजना लेवल बढ़ाता है, मतलब हमारे अंदर हिम्मत बढ़ा देता है। तो वो हिम्मत कहाँ पे निकलती है, वो हिम्मत निकलती है कसिनो में बैट के रूप में। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में या कई मूवीज़ वगैरह में भी आप देखोगे लड़ाई से पहले हीरो ड्रिंक कर लेता है, या पहले भी ऐसा होता था कि नहीं यार इससे मतलब जोश रहता है, एक आपका जो भी हिम्मत होती है, जो भी प्रेजेंटेशन होती है उसको अल्कोहल इन्हेंस करता है,
जैसे बाकी नशे तो आपको डरपोक बना देते हैं, जैसे भांग का नशा है, कोई और नशा है, आपको यहाँ पे उस तरह के नशे नहीं मिलेंगे, जो चाहे लीगल भी हो पर ये नहीं प्रोवाइड कराएंगे, ये आपको हमेशा वो नशे प्रोवाइड कराएंगे जिससे आप उत्तेजित हो, आपकी जो हिम्मत है वो इनहेंस हो, तो वो अल्कोहल होता है तो उसको ये प्रोवाइड कराते हैं। तीसरे नंबर पर कैसीनो क्या करता है, सभी मशीनों के एक जैसे डिज़ाइन रखता है। आपने कभी भी देखा होगा कैसीनो के अंदर जो रूलेट है, अगर मान लो 6 रूलेट है, 5 रूलेट है, 4 रूलेट है, तो सब एक जैसे होंगे। ऐसा नहीं कि कोई लाल रंग का है, कोई पीले रंग का है, कोई हरे रंग का है, चाहे उसकी डिज़ाइन हो, चाहे उसकी वो डिज़ाइनिंग हो, ऊपर का कलर कॉम्बिनेशन हो। ऐसे ही जितनी भी स्लॉट मशीन होंगी सारी एक जैसी होंगी, जितनी भी ये एक जैसी चीज़ें इसलिए बनाते हैं, एक जैसा कलर थीम इसलिए लेके चलते हैं कि आप सम्मोहित हो, आपको आपका दिमाग अलग मशीन पे अलग ना खेले। एक जगह आप हार गए, आप दूसरी मशीन पे जा रहे हो तो दूसरी मशीन पर भी जा करके आप उसी पैटर्न से खेलो। ये सारा का सारा मैं हर बार बोलता हूँ ना, जैसे माइंड गेम है, साइकोलॉजी है, तो ये बस वही चीज़ है कि ये आपको सम्मोहित करना, आपको एक ही जैसा एहसास कराना, ताकि आपका दिमाग एक ही गलती को बार बार करे। तो इसलिए सारी चीज़ों का एक जैसा ही बनाया जाता है। नंबर 4 पर है इंस्टेंट कैश। तो आपने देखा होगा कि कैसीनो में इंस्टेंट कैश प्रोवाइड करने का पूरा इंतजाम होता है, जैसे एटीएम मशीन लगाई जाती हैं, जैसे कि स्वैप मशीन लगाई जाती हैं, बैंक ट्रांसफ़र इमीडिएटली हो जाता है, आपको कैश चिप तुरंत प्रोवाइड कर दी जाती है। ज़्यादातर कैसीनो के अंदर तो आप कैश चिप से निकालो और मशीन पर ही पैसे दे करके वहीं से चिप ले सकते हो, कुछ कैसीनोज में आपको कैश काउंटर तक जाना पड़ता है। तो ये इसलिए कि आपको एक पल की भी देरी ना ये हो सके आपको कैश निकालने के लिए, मतलब आपका कैश जेब से निकलने में एक सेकंड की भी देरी ना हो, हर जगह हर तरफ फैसिलिटी अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये इनका नंबर 4 पर एक ये स्ट्रेटजी है कैश को यूटिलाइज करने का एक प्रॉपर मेथड। आप कहोगे यार वो देने में भी कैश इतना ही फास्ट करते हैं, हाँ तो आप ये भी तो देखो फिर लेते कितने लोग हैं, देने वाले ही ज़्यादा होते हैं। नंबर 5 पर है दोस्तों स्टॉप क्लॉक, कि समय को रोक देना। तो पूरे के पूरे दुनिया में जितने भी कैसीनो हैं कहीं पर कोई घड़ी नहीं होगी, कहीं पर कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं होगा जहां पर कि आपको टाइम का अंदाज़ा लग सके, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपको ये मालूम पड़े कि आप बहुत देर से खेल रहे हो, आपके दिमाग को लगे कि बस मैं तो अभी आया हूँ। तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके कैसीनो में कई घंटे बीत जाते हैं और आप बड़े हैरान होते हो, अरे इतने घंटे हो गए मुझे, आपको एक तो सम्मोहन काम कर रहा है, अल्कोहल काम कर रहा है, पैसा दाव पे लगा हुआ है, उसका डर और उसका एक्साइटमेंट काम कर रहा है, और इधर से घड़ी का ना होना। मोबाइल आप निकालोगे, मोबाइल निकाल करके आप सब काम कर लोगे पर टाइम ही नहीं देखोगे, और देख भी लोगे तो वो टाइम आपके दिमाग पे असर नहीं करेगा, जो दीवार पर लगी हुई है क्लॉक काम करती है, इसीलिए ये लोग क्लॉक नहीं लगाते, स्टॉप क्लॉक स्ट्रेटजी होती है इनकी। नंबर 6 पर दोस्तों ये आपको फ्री कूपन्स देते हैं, फ्री कूपन्स देते हैं। ये कूपन्स कई बार तो ड्रिंक्स के लिए भी होते हैं, जैसे कई छोटे कैसीनोज हैं वहाँ ड्रिंक अनलिमिटेड नहीं होते, कूपन के भी आप पे दे देते, कूपन प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको ये लगे कि अरे यार मुझे तो कोई कूपन को कैश कराना है, तो कूपन को कैश कराने का मतलब कि कूपन को यूज़ करना है, तो चलो यार मैं 2 पैक लगा ही लेता हूँ, इस तरीके से कई कैसीनोज ऐसा करते हैं। कुछ लोग कूपन के रूप में आपको OTP देते हैं, ताकि आप गेम के साथ संबंध आपका बना रहे, जीतने के बाद भी हारने के बाद भी। जीतने के बाद क्या होगा, आपके पास OTP पड़ा, आप करो यार मैं तो जा रहा हूँ पर OTP तो चलो खेल लेते हैं, तो वो OTP खेलने के नाम पे आप वापस गेम के साथ जुड़ते हो। कई बार आप वो OTP कैश होने का निकल जाते हो, कई बार नहीं कैश होने के बाद आप दोबारा, मतलब जे इनका मकसद होता है कि आपको गेम के साथ में कनेक्शन बिठाए रखना, मतलब संबंध बना रहे, वो OTP के जरिए बैठे, वो कूपन के जरिए बैठे, वो ड्रिंक्स के जरिए बैठे, कैसे भी बैठे, ठीक है। नंबर 7 पर है नो विंडो कॉन्सेप्ट। आपने देखा होगा कि दुनिया के किसी भी कैसीनो के अंदर कभी भी खिड़कियां नहीं होती, खिड़कियां भले मतलब खिड़कियां तो दूर की बात, चलो भी आप कहोगे कि वो इंडोर है, वो AC की वजह से, तो वो ट्रांसपेरेंट खिड़कियां तो लगा सकते हैं, मतलब वो नहीं चाहते। सेम क्लॉक ना लगाने का रीज़न वही कि आपको मालूम ना पड़े कि भी समय कितना हो गया, तो बाहर की रोशनी, बाहर का नेचुरल लाइट आपको ना दिखे, आपको किसी भी कैसीनो से बाहर का एक झलक भी नहीं आएगी, आप बाहर बारिश हो रही है, बाहर अंधेरा हो गया है, बाहर धूप निकल गई, आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो नो विंडो कॉन्सेप्ट को भी ये उसी के तहत रखता है। पर 8 पर है बिग ब्रदर ऑलवेज वॉचिंग यू। बिग ब्रदर आपको मालूम है कि जो बिग ब्रदर इंडिया में बिग बॉस बोलते हैं, मतलब कैमरे आपको हर समय देख रहे हैं,
तो वो जो कैमरे आपको देख रहे हैं वो आपकी एक एक हरकत के ऊपर नज़र रख रहे हैं। आपको लगता है ना कि आप जो सिगरेट ले रहे हो, आप कितनी सिगरेट पी रहे हो, आप कितने कितनी विस्की पी है, कितनी बियर पी है, कितना खाना खाया, कितनी बार खाया, आपके आप 10,000 ले जा करके 1,000 10 बार में निकालते हो, एक बार में 10,000 निकालते हो। एक एक बारीक से बारीक चीज़ के ऊपर आपको नज़र रखी जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कसीनो के अंदर उनको नज़र रखने में कोई दिक्कत ना हो तो अगर आपने कैप पहनी होगी तो आपकी कैप उल्टी करवा दी जाती है, अगर आपने ब्लैक गॉगल्स पहने होंगे तो उनको उतरवा दिया जाता है कि उनको आँखों आपकी आँखों की ये काले रेटिना तक को देखना होता है कि आप इशारा तो नहीं कर रहे, आप किस तरफ देख रहे हो, किस तरफ देख करके किस तरफ की बैट लगाते हो, आपको एक एक पैटर्न पर नज़र रखने के लिए। तो इसका मतलब है कि बिग ब्रदर ऑलवेज वॉचिंग, बिग ब्रदर मतलब कैमरा, कैमरे आपको हर समय देख रहे हैं और आपकी से कहीं ज़्यादा आपकी बारीकी पे नज़र रख रहे। कई मैं कई बार जाता हूँ कुछ स्टूडेंट्स वगैरह या कुछ ऐसे कॉलेज स्टूडेंट्स बॉय आ जाते हैं, वो कहते हैं अरे यार अंदर सिगरेट भी फ्री में, तो जो नहीं भी पीता है उसको बोलता है यार तू अंदर से सिगरेट ले लो, वो दो दो चार चार सिगरेट लेकर के जेब में डाल के ले जाते हैं कोई ज़बरदस्ती अपनी लिमिट से बाहर। उनको वो एक एक चीज़ उनको पता, उनको मालूम है इनमें से इसी खुशी की वजह से ये लोग कभी ना कभी दोबारा आएंगे और पैसा देंगे। नंबर 9 पर है फ्री रूम्स और पैकेजेस। ये लोग कसिनो जो हैं ये अब बड़े प्लेयर को या नए प्लेयर को आकर्षित करने के लिए फ्री रूम्स प्रोवाइड करता है, पैकेजेस प्रोवाइड करता है। आप हिसाब लगाते हो यार बाहर ये रूम 20,000 का है, मुझे यहाँ पर ये फ्री का मिल रहा है, मुझे 50,000 रुपये का बाइंग करना है तो मेरे को एक दिन 5-स्टार रूम में रहने को मिल जाएगा, या मैं 5,00,000 का बाइंग करता हूँ 10 दिन रहने को मिल जाएगा। इस चक्कर में आप लोग बड़े बड़े पैकेजेस लेते हो जो इनका, अगर आप उनको डिवाइड करोगे तो आपके एक रूम का खर्चा जो कॉस्ट बैठेगी वो बाहर के 5-स्टार से कई गुना ज्यादा बैठेगी। बस आपको एक लॉलीपॉप दिया जाता है, एक प्रोबेबिलिटी दी जाती है कि आप जीत गए तो आपको साइकोलॉजिकल लगता है कि रूम तो फ्री में है, पर ये रूम फ्री में नहीं होते। ये जो पैकेजेस देते हैं कि सर हमारे यहाँ आओ 10 दिन रहना, हम 10 दिन में आपको रहना फ्री कर देंगे, 10 दिन का लंच ब्रेकफास्ट डिनर फ्री कर देंगे, अनलिमिटेड अल्कोहल फ्री कर देंगे, ट्विन शेयरिंग रूम दे देंगे आपको, और साथ में आपको हम 5,00,000 के OTP भी दे देंगे, आपको बस ये पैकेज खरीदना है 4,00,000 में। आप हिसाब लगाओगे यार 1,00,000 का घाटा भी उठाऊंगा तो 1,00,000 का OTP जाएगा, 4,00,000 तो वापस आ जाएगा, और ऐसा एक बार कामयाब हो भी जाओगे हो सकता है। पर ये कसिनो का अर्निंग का एक और बैकडोर से भी ये सिस्टम है, और दूसरा ये आप लोगों को बहकाने का और बुलाने का भी एक तरीका है। तो कसिनो में जाना है तो बाहर अपना 2,000-5,000 का रूम लो, कसिनो से कम बनाओ, खाने को लेकर संबंध मत बनाओ, ड्रिंक को लेकर संबंध मत बनाओ, रूम को लेकर समझ। आप सोचो ना कि आप जहाँ पे खेल रहे हो वहीं पे आप रह रहे हो तो आप दिन में 20 बार जाओगे, वही ऑनलाइन को मैं मना क्यों करता हूँ, ऑनलाइन गैमलिंग को मैं इसलिए मना करता हूँ ना आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। वही चीज़ होती है कि कसिनो के अंदर तो रूम को भी लेना ही नहीं है, ठीक है। नंबर 10 पर है लाइट साउंड और सेंस। अब ये क्या है, लाइट साउंड, साउंड्स में हम आ जाते हैं जो मशीनों में आपकी बैट आने पे जो साउंड निकलती है, क्लैपिंग बजती है, शोर मचता है, आपने देखा होगा जब आपको ऐसे एहसास दिलाया जाता है जैसे पता नहीं आपने चांद पे कदम रख लिया, आपने धरती जीत ली, ठीक है, ऐसे वो फील कराते साउंड के इफ़ेक्ट से। शाम होते ही म्यूज़िक फास्ट हो जाता है, एक बिल्कुल फास्ट उत्तेजित करने वाला म्यूज़िक चलने लग जाता है, मशीनों में से जो साउंड निकलती है, जो म्यूज़िक निकलती है, वो सारी चीज़ें जो है आपको आकर्षित करने के लिए बनाई जाती हैं, आपको उत्तेजित करने के लिए, जोश भरने के लिए बनाई जाती है। लाइट आपने देखा होगा कसिनो में जब 21 साल से छोटा उम्र का बंदा नहीं जा सकता तो आपने वहाँ पर लाइटें बच्चों के किड रूम जैसी क्यों लगाई हुई हैं, लाल हरी पीली नीली। स्लॉट मशीन के ऊपर देखो जैसे ऐसे लगेगा जैसे दिल्ली में रामलीला की झांकी सजा रखी होती है, ऐसे स्लॉट मशीन को सजा रखा होता है, इतनी लाइटें, इतना, किसी की शादी है, किसी का बर्थडे है, कोई बच्चों का किड रूम है, कोई अम्यूजमेंट पार्क है, कोई रामलीला है कि आपने इतनी लाइटें लगा रखी, क्योंकि और वो लाइटें कौन सी होंगी, तड़कीली भड़कीली लाल हरी पीली नीली, ताकि आपके अंदर खून उबाल मारता रहे। और सेंस का मतलब ये हो गया कि आपके एक सेंस है, आपको एक अच्छी ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के नाम पे ही है, जो डक्टिंग के थ्रू जो ऑक्सीजन आती है, जो वेंटिलेशन आता है जो एसी का, उसमें का एक बड़ा अच्छी क्वालिटी का एक अरोमा मिक्स किया जाता है, वो अरोमा एक फील लाता है आपको, आपको हर बार कसिनो के अंदर जाते एक खुशी का एहसास होता है एक, और हर कसिनो में अलग अलग होगा। अगर आप देखो अभी ध्यान से, अब मैं ये वीडियो देखने का आप नोटिस करना, आप जब भी किसी कसिनो में जाओगे हर कसिनो के अंदर एक कसिनो की अलग महक होती है, एक अलग खुशबू होती है, वो इसीलिए होती है। एक और कसिनो जो ट्रिक आजमाता है, जो सबसे
खतरनाक है, इसलिए मैंने उसको इस 10 नंबर पे रखा ही नहीं है। खतरनाक मतलब आपके लिए, ये 10 में शामिल ही नहीं किया है, मतलब आप उसको टॉप पे रखो, कहीं जहाँ रखना आप देख लो। वो है आपकी फेस रीडिंग। अगर कसिनो ने आपको बैन कर दिया, आप नकली दाढ़ी मूछ लगा के जाओगे तो भी वो आपको पहचान लेगा, क्योंकि उनके पास जो सॉफ्टवेयर या जो कैमरे में है थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ, उसमें आपके स्केलेटन जो हड्डियां हैं, हड्डियों का स्केलेटन है, उसको भी वो रीड कर लेता है। मतलब आप अगर प्लास्टिक सर्जरी भी करवा के जाओगे तो हड्डियां तो नहीं अपने चेहरे की बदलवा लोगे, फेस रीडिंग। और जैसे ही आप कसिनो में उस कैमरे के अंदर कैमरे के एरिया के कैमरे के कवर में आते हो, जैसे कैमरे के ऑब्जर्वेशन में आते हो, तो आपकी पूरी हिस्ट्री खुल जाती है कि आज तक आपने यहाँ पे विन करके गए हो, कितनी बार विन करके गए हो, कितनी बार लूज करके गए हो, टोटल आपका अमाउंट कितना है, आप प्लस में हो माइनस में हो, आपके खेलने का पैटर्न क्या, आप कितने लोगों के साथ आते हो, आप ड्रिंक करते हो नहीं करते हो, आप वेजिटेरियन हो नहीं हो, सब कुछ आपका डिटेल पता लग जाएगा उस फेस रीडिंग के थ्रू। ये एक देखो, अगर ये चीज़ें ना मुझे बड़ी गलत लगती हैं, क्या है कि अगर देखो आप जेन्युइन गेम खेल रहे हो, आप बॉल स्पिन करो, आप गेम खेलो, बात खत्म कहानी। आप अपनी सिक्योरिटी के लिए इस बात को चेक कर लो कि भी बंदा कोई अंदर बम बंदूक तो नहीं लेके आया, दैट्स इट। आपको लगता है कि यार कोई चीटिंग कर लेगा तो आप वहाँ पे और 50 कैमरे बढ़ा दो, बस खत्म कहानी। आप बंदे की पूरी हिस्ट्री जानना चाहते हो, वो बंदा कितना खेला था, कैसे खेलता है, उसको शराब पिलाते हो, म्यूजिक लगाते हो, लाइटें लगाते हो, तो ये कसिनो साइकोलॉजिकल जो चीटिंग करता है ना, वो चीटिंग के लिए मैं आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि आप इन चीज़ों के पंगे में नहीं आना है। आपको लाइटों की तरफ नहीं देखना है, आपको जब भी जाना है, अब मैं इसीलिए बोलता हूँ ऑनलाइन भी खेलते हो तो साउंड ऑफ करके म्यूट करके खेलो। आप कसिनो में जा रहे हो, यहाँ पे ईयरबड 50-60 रुपए के मिलते हैं अमेजोन में, ईयर प्लग बोलते हैं उसको, कान में डाल दोगे बाहर का आवाज़ नहीं आता, और कसिनो को उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आप वो लगा के जाओ, आपको नहीं सुनना, क्योंकि क्या होता है वहाँ पर कोई आदमी बोल रहा है अरे ये नंबर मारेगा, आप वो नंबर पर बिना लगाए रह नहीं सकते। कोई आदमी बोलेगा अरे कल ना वहाँ मालूम है उस कसिनो में ना 10,000 से ना किसी आदमी ने ना 15 लाख बनाए, अब बस आप सोचोगे आज मैं एक दिन तो मैं भी बनाऊंगा, क्या पता वो आज दिन वही दिन आज मेरा भी है। बस इसी तरीके से आप लगे रहोगे। तो दोस्तों मेरा काम ये है कि आपको कसिनो की साइकोलॉजी से बचाना, बाकी आप जितनी मर्जी ट्रिक सीख लो। कुछ लोग ऐसे मेटेरियलिस्टिक लोग हैं, मेरे को कमेंट करते हैं अरे फालतू की बकवास बंद करो, ट्रिक बताओ ट्रिक बताओ। अरे क्या कर लोगे ट्रिक जान करके जब आप कसिनो की साइकोलॉजी नहीं समझोगे। आप ऑनलाइन खेल लो, आप ट्रिक से आज जीतोगे, कल जीतोगे, परसों हारोगे, ओवरऑल हारोगे या हारोगे, उठा के रिकॉर्ड देख लो अपना। मैंने तो कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं लगाया, मेरे पास तो कोई कैमरे भी नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बिना देखे बोल सकता हूं कि आप लोग ओवरऑल हारे होंगे। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी को समझना बहुत मुश्किल है। 5% लोग हैं जो हमेशा विन करते होंगे, मतलब ओवरऑल विन करते होंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काम का आएगा लगा होगा। कोई और भी आपको ऐसी क्या सोचते हो आप इस वीडियो के बारे में, आप कमेंट करके बताना। ओके, थैंक यू, गुड बाय।